नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा GOPRO के प्रोटेक्टिव कवर को लेके। ये है GOPRO का प्रोटेक्टिव कवर। आप लोग इस कवर में किस तरीके से GOPRO को माउंट कर सकते हैं ये आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था प्रोटेक्टिव कवर के बारे में, और इसका प्राइस भी मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है GOPRO का प्रोटेक्टिव कवर। इसे हम लोग यूज करते हैं तब जब हम लोग अंडर वाटर शूट करते हैं वीडियो अपने GOPRO से, या फिर किसी एक्सट्रीम कंडीशन में शूट करते हैं, ताकि हमारा जो GOPRO है अगर वो गिरता है कहीं पे या फिर अंडर वाटर हम लोग जाते हैं तो वो खराब ना हो। और गाइज, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है GOPRO 8 में, बिकॉज GOPRO 8 में आप देखेंगे काफी सारा स्क्रीन है। आपके पीछे स्क्रीन जो दिया हुआ है, जो टच स्क्रीन है, उसे अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो मेन कारण है आपको इसको यूज का वो ये है कि जो GOPRO 7 हुआ करता था उसका जो लेंस कवर हुआ करता था, ये आप देख रहे हैं, ये जो लेंस कवर है ये आपका रिमूवेबल होता था, ये आप रिमूव कर सकते थे। लेकिन GOPRO 8 में क्या है कि ये जो लेंस कवर वाला पार्ट है ये आपका फिक्स है, ये आप मूव नहीं कर सकते हैं। सो मान लेते हैं कि अगर आपका GOPRO कहीं गिरता है तो हो सकता है कि आपका जो लेंस है वो टूट जाए। तो जैसा कि GOPRO वालों ने क्लेम किया है कि जो GOPRO 8 का लेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये इजिली ब्रेकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों ने इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोगों के लिए ये 35,000 जो है ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा। तो 35,000 को बचाने के लिए हम लोग इसका यूज कर ही लेते हैं, इसका दाम ज्यादा है नहीं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसे चेंज कैसे करते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। सो गाइज, ये है आपका प्रोटेक्टिव हाउसिंग। ये पर्टिकुलरली हीरो ब्लैक के लिए ही आता है, हीरो 8 ब्लैक के लिए। इसमें आपको जब आप इसको खोलेंगे, मैंने खोल के ऑलरेडी रख लिया है, आपको ये केस मिलेगा, ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग है ये मिलेगा आपको, और एक इसके साथ ये एक्स्ट्रा कवर मिलेगा, मतलब एक ये बैक डोर मिलेगा, बैक डोर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हॉलो है, इसको देखिए, ये यहाँ से आप इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ताकि इससे आप टच को हैंडल कर सके कैमरा के। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा के रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इस बैकडोर को। देखिए, अभी जो लगा हुआ है ये ऑलरेडी इसमें आप टच नहीं कर सकते, ये जब आप अंडर वाटर या पानी के अंदर यूज करेंगे तो आपको ये यूज करना है ताकि पानी इसके अंदर ना घुसे, ठीक है। और इसी के लिए ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग है और ये पूरा आपका सील कवर हो जाता है। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, ये देखिए, आपको इसको इधर पुल करना है, मतलब इसको इस तरह से पुश करना है, ठीक, इसको आपको ऐसे करके पुश करके और आपको ऐसे करके इधर से पुश मतलब उठाना है। इस वाले बटन को आप इधर एरो दिया हुआ है, इधर आप एरो को खिसकाइए और इधर से ऐसे करके ओपन कर लीजिए, खोल लिया आप, ये आपका इस तरीके से खुल जाएगा। और इसको फिर आप इस तरीके से, थोड़ा टाइट है, इस तरीके से खोल लीजिए। मैंने ऑलरेडी अपना हीरो 8 ब्लैक को इसके अंदर डाल दिया था। गाइज, जो डिफरेंस था हीरो 7 और हीरो 8 में ना, हीरो 7 में क्या होता था, ये आपका जो लेंस है ये आपका कैप रिमूव हो जाता था और उसके बाद केवल आपका जो लेंस है वो दिखता था। लेकिन इसमें क्या किया है इन्होंने, लेंस को फिट ही कर दिया, अब आपको रिमूव करने का जरूरत नहीं है। और प्रोटेक्टिव हाउसिंग में भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपका इस तरीके से दिया हुआ है ढांचा, ठीक है। और हीरो 7 में क्या होता था, यहाँ पे आपका गोला सा बना रहता था, केवल लेंस के लिए ही आपका जगह रहता था, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम काल के इसको चेंज कर सकते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे इसको पीछे मोड़ के, तो यहाँ पे आपको छेद दिखेगा, यहाँ से आपको बस इस तरीके से इसको पुश करना है और ये निकल जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे छेद है। और यहाँ से आराम से ये आपका, देखिए ये रॉड है, ये आपका रॉड इसके अंदर फिक्स हो जाता है। और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और थोड़ा सा खींचेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे लेंगे और ये जो आपका रॉड है और ये जो छेद है, आपको इसमें क्या करना है, इसको यहाँ पे रख के, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे रख के बस एक बार कस के दबा देना है। ये आपने दबा दिया, देखिए ये आपका अब फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको जब बंद करेंगे, अब आपको अपना कैमरा इसके अंदर डालना है, इसको बंद करना है और उसके बाद आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो बस आपको यही करना था, यहाँ पे आपका ढांचा दिया हुआ है उसी तरीके से, बस आपको अब हम लोग दोबारा से उसको लगा देते हैं, देखते हैं कैसे लगाएंगे। बस इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको इस तरीके से पुल करना है, ये आपका निकल जाएगा, ठीक, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब इसे लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा के थोड़ा सा बस आपको दबाना है तो आपका ये लग जाएगा। अब आपको क्या करना है,
इसको लेना है अपने कैमरे को इसमें डालना है और इसको इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। बंद करके आपको इधर से आपको इसको इस तरीके से ये करना है और इसको कस के दबा देना है, बस ये आपका हो गया बंद। तो बस इतना ही करना है आपको, प्रोटेक्टिव हाउसिंग जब आपको चेंज करना है तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वाले खांचे में से आपको कस के थोड़ा सा पुल करना है ताकि आपका ये वाला जो कवर है ये निकल जाए और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। और जब आपको पानी में यूज करना है तो ये आप पूरा कवर वाला ही यूज करेंगे ताकि इसके अंदर कहीं पे भी पानी ना जाए, ये उसी तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये बटन भी दिया हुआ है, ये बटन और ये बटन भी है, तो आप इससे डायरेक्टली जब आप इसको पुश करेंगे तो ये रिकॉर्ड होने लग जाएगा। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।